पंजाब के फाजिल्का जिले में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद भटिंडा में एक हाई प्रोफाइल स्कूल सेंट जेवियर की 13 वर्षीय छात्र रिया का मामला सामने आया है। स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी जिसमें इस छात्रा ने हिस्सा लिया था। छात्रा अपने घर के पास ही गंभीर हालत में पड़ी हुई मिली। फिलहाल पीजीआई चंडीगढ़ में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है छात्रा। पुलिस सारे मामले की जांच में जुट गई है। दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर रहा है। उधर चश्मदीद महिला का कहना है कि जब मैंने देखा कि पड़ोस में एक लड़की जख्मी हालत में पड़ी है तो मैंने समझा कि शायद लड़की को दौरा पड़ा है, परंतु ऐसी कोई बात नजर नहीं आई क्योंकि लड़की के मुंह और सिर में से खून की नदी बह रही थी, जिसकी जानकारी तुरंत मैंने लड़की के माता पिता को दी। भटिंडा से कुणाल बंसल, आजाद टीवी न्यूज। अमरजीत वीर जी है, बेटी सी रिया, जो मैं देखा तो मुंह चो ब्लड निकल रहा है। मैं क्या सारा मैं रोला पाया भी जी रिया रिया, तो सारी कलोनी इकट्ठी हो गई सी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ही देखा। उन्होंने यही है कि वह स्कूल के फंक्शन होना एनुअल, वो बच्ची ने पार्टीसपेट किया, तो बच्ची लैंड की खातर शाम को स्कूल गए है। तो उतों बाद काफ़ी देर उ जो बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने कॉल आती है कि बच्ची इंजर्ड हालत के बरामद हुई है, तो वो उन्होंने लैके हस्पताल गए ने। तो सेम इस टाइम पोजिशन यही है कि उस दिन तो बच्ची कौमा चाहे बयान देने की हालत में नहीं हैगी। हाँ हूँ सीरीयस आ, स्टिल ये अनकॉन्शियस आ, बयान देने के काबिल नहीं। जो ये होश चाहिए तो यदि स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाऊगी, उस तो पहला भी असं पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, होर भी तुम सीसीटीवी कैमरे भी लगोगे? मतलब हाँ, सीसीटीवी फुटेज असी अज स्कूल गए से पर उत्थे छुट्टी है, तो यदि सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं। वो कलोनी के NH5 हैगा इन्हों का क्वार्टर, उत्थे असी जिहड़े गार्ड लगे हुए हैं उन्होंने तो भी असी वेरीफाई कर रहे हैं भी कोई शक्की पुरश उत्थे आया ना हो, जां ये किस कंडीशन च लड़की अंदर गई सी।